हेलो, नमस्ते जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सोच रहे होंगे आज साड़ी पहन के कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं संडे में करने वाली हूँ कुछ स्पेशल। मैं जा रही हूँ बाजार दीदी और के लिए साड़ियाँ लेने, क्योंकि होली आ रही है तो उनको होली की कोथली देनी है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहा के तैयार हो गई हूँ और मैंने कर ली है पूजा। चलो आपको दिखाती हूँ। देखिए पूजा करके मैं एकदम तैयार हूँ। कान्हा जी देखिए कैसे बैठे हैं और मैंने कर दी है नाश्ते की तैयारी। आइए आपको दिखाती हूँ। संडे में हमारे मोस्टली बनते हैं आलू के पराठे। मैंने कर दी है, आटा लगा के रख दिया है, पिट्ठी बना के तैयार है। बस अब बच्चे खा लें, उसके बाद मैं जाती हूँ मार्केट और वहाँ से क्या क्या लेके आती हूँ आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो आज संडे व्लॉग होने वाला है स्पेशल। आप देखिए कि मैं क्या क्या लेके आई। तो ठीक है, अब मैं जाने वाली हूँ मार्केट। ये साड़ी है, निकाल के दिखाती हूँ। ये दीदी के लिए है, कोतली के लिए। मैं इसी के सेम तीन कलर लेके आई हूँ। एक ये पीच कलर है, एक ये सी ग्रीन कलर है। तीनों दीदी के लिए लाई हूँ। इसी में मैंने पीछे पेटीकोट लगवा दिया है। ठीक है, ये उनके लिए साड़ियाँ हो गई और ये उनके लिए मैं तीनों के लिए लाई हूँ मैचिंग चूड़ियाँ। येलो है, ग्रीन है, पिंक कलर की हैं। ये बिंदिया है, रुमाल है, मेहंदी की कीफ है, कंघे हैं, रबड़ है, नेल पेंट है, ऑयल है, सिंदूर है, लिपस्टिक है और ये क्रीम है। तो आज मैं बाजार से इतना ही सारा सामान लाई हूँ और पायल लाई है, एक कुर्ती का कपड़ा अपने लिए। मैं आपको दिखाऊं, पायल मेरे साथ गई थी। पायल अपने लिए एक ये ब्लू कलर का कुर्ती का कपड़ा लाई है, वो इसे खुद बनाएगी। तो 2 मीटर ये कपड़ा लाए हैं और 2 साड़ी में ये एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं थी, 600 कुछ की है ये। जब भी मैं साड़ी लेने जाती हूँ तो एक दो एक्स्ट्रा ले आती हूँ, क्योंकि घर में काम ही आ जाती हैं, कभी कोई आ जाता है तो। एक ये पिंक कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की है। ठीक है, और मैं लाई हूँ कुछ सामान। कुछ मुझे एक खाली पेटी रखी है, उसको डिजाइन करना है, तो मैं ये कुछ कलर चार्ट पेपर लेके आई हूँ और ये सुतली लेके आई हूँ। सुतली, इनसे मैं एक पेटी रखी है, उसको डेकोरेट करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और आ गए हैं कुछ अचानक मेहमान, तो उनके लिए देखो मैं नाश्ता लगा रही हूँ। मैंने एक कचरी जो चावल से बनाते हैं और चिप्स घर में ही भुने हैं, और समोसे अब है बाहर से लेके आया है। चाय बन के मैं डाल रही हूँ। मेहमान बैठे हैं, मेहमानों को मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि सबको पसंद नहीं होता, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड भी करूँगी तो कोई ऐतराज़ करने लगे तो अच्छा नहीं लगता इस तरह, तो इसलिए उनका फेस मैंने आपको नहीं दिखाया। मेरी फ्रेंड की बेटी थी जो आई थी, उसके हस्बैंड भी थे उसके साथ। उनके जाने के बाद देखो मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है,
क्योंकि फैला हुआ किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये मैं बर्तन सूख जाएंगे तो मैं रख दूँगी। अब मैं आई हूँ छत पे सफाई करने, क्योंकि आज मौसम हो रहा है थोड़ा बारिश का और छत पे मट्टी मट्टी हो रही है, क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले ही बड़े गमले में एक पौधा शिफ्ट करवाया है। एक गमला बंदर ने तोड़ दिया था तो तब से छत पे मट्टी मट्टी हो रखी है। अगर गंदी रहेगी तो मट्टी फिर पाइप में अटक जाते हैं, तो इसलिए मैं आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो सफाई कर देते हैं छत की, फ्री भी थी थोड़ी, इस कहानी सफाई हो गई। और आप सब कैसे हैं? देखना मेरा संडे ब्लॉग, आज मेरा संडे कैसे बीता। और आप भी अपनी छत ऐसे ही साफ करें। आपको ये लग रहा होगा ना कि आप बेवकूफ़ी वाली बात है, सब ऐसे ही करते हैं। आई नो पर मैं मजाक कर रही थी। देखो फटाफट हो रही है ना छत साफ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी छत पे क्या क्या लगा हुआ है। झाड़ू लगाने के बाद दिखाती हूँ आपको। मेरी छत पे सब्जियाँ भी उगी हुई हैं, ऐसा ही नहीं है कि मैं केवल पौधे लगाती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए। देखो कितनी गंदगी निकल रही है ना छत पे से। थोड़ा सा आलस होता है, अगर ये मट्टी अगर बारिश आएगी तो पानी के साथ बह के सब पाइप में घुस जाएगी, तो इसलिए मैं ना सफाई कर दी है पूरी छत की। छोटी सी छत है, नीचे की तो रोज होती है, ऊपर 4-5 दिन में एक बार लगती है। इतनी मट्टी इसलिए हो गई क्योंकि गमला टूट गया था एक। ये है सब्जियाँ, टमाटर, कितने प्यारे, बड़ा अच्छा लगता है इन्हें देख के। थोड़ी सी मेहनत सफल हो रही है मेरी। अब मेरी पूजा का टाइम है शाम की, मैं कर रही हूँ पूजा। बस यही एंड करूँगी वीडियो का, क्योंकि अब आगे देखती हूँ बच्चे क्या बनवाएंगे, उनके लिए खाना बनाना है। और फिर सुबह साथ साड़ी में हूँ तो अब चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद फिर खाना बनाऊँगी। फिर देखते हैं कब मुलाकात होती है अगली वीडियो में, कल या परसों। तब भी एक जोत में घी की जलाती हूँ और एक तिल के तेल की। ये जो मैंने अभी जलाई है ये घी की है, इधर जो जलाऊंगी इधर ये तिल के तेल की होगी। और आप बताइए मैं जो साड़ियाँ लाई हूँ आपको कैसी लगी, बताना ज़रूर कमेंट करके। मैंने अपने घर का वीडियो भी बना के डाला है, आपको कैसा लगा आप बताइए प्लीज। अगर आप लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। चलो अब मैं थोड़ा सा एक माला का जप कर लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स। संगीत बजा रही है।